देखो हम त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे जो कोण, कोण में वो हो गया था, रेडियन वगैरह हो गया था, और जो हाई स्कूल का पोर्शन था जैसे सिर्फ सिंपल फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये सब भी हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कोण जो कि 90 से बड़े होते हैं। 90 से बड़े कोण को हम लोग किस किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर 90, 90 को बच्चों लोग पाई बाई टू बोलते हैं, ठीक है। 90 को पाई क्या बोलते हैं, पाई बाई टू। यहाँ पर कितना होता है, 180, इसको पाई बोलते हैं। फिर होता है 200, तीन पाई बटा दो, तो ये होता है 3 पाई पॉइंट 2, और इसको बोलते हैं 360, जो कि होता है, ठीक है। क्योंकि हमको अब रेडियन में भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, डिग्री में तो मालूम ही है, लेकिन अब जहां तक तो चीजें यूज होंगी तो वो रेडियन में यूज होंगी बच्चों, ठीक है। तो रेडियन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर माना जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे समझो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, या क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश। ये क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और मैंने शुरुआत में बताया कि फर्स्ट जो होता है वो 0 से लेकर 90 तक, सेकंड जो होता है 90 से लेकर 180 तक, थर्ड 180 से लेकर 270 तक, और फोर्थ जो होता है 270 से लेकर 360 तक होता है, राइट है बच्चों। फिर यहाँ पर अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर होता है एस, यहाँ पर होता है टी, और यहाँ पर होता है सी। ए का मतलब जो होता है वो होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है सभी धनात्मक, ऑल का मतलब क्या होता है, सारे ऐसे धनात्मक, सभी ठीक है। और एस का मतलब जो होता है वो साइन, होता है साइन, लेकिन साइन के साथ जो हम सीधा भी दे रहे हैं कॉसेक भी आता है, क्योंकि साइन और कॉसेक के फॉर्मूले को जो देखा जाए तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, टेन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा और सेकंड, ये चीज ध्यान रखें, ओके। इसके बाद हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो ए का मतलब है ऑल, मतलब सभी, एस का मतलब है साइन कॉसेक, टी का मतलब टेन कॉट, सी का मतलब है कॉसेक। तो इसको ASTC याद रखो, ASTC कुछ बना लो, कुछ फुल फॉर्म के रूप में कुछ भी याद कर लो, जिससे तुम्हें ये ध्यान बना रहे। और फर्स्ट में क्या होगा ए, सेकंड में होगा एस, थर्ड में होगा टी, और फोर्थ में होगा सी, ठीक, ASTC, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने उसी दिन बताया कि 90 और 270 में जो अनुपात होता है, जो रेशियो होते हैं, वो चेंज करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, 90 तथा 270 में रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात या फंक्शन बोल लो, तो चेंज रहते हैं या बदल जाते हैं, बदले कैसे, जो साइन थीटा है वो बदलेगा किसमें, कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है वो बदलेगा किसमें, ए। साइन थीटा बदलेगा किसमें, जो कॉस बदलेगा साइन में, जो टेन है वो बदलेगा कॉट में, और कॉट जो है टेन, और जो सेक है लास्ट वाला जो है कॉसेक में, वो बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक जो बदलता है वो किसमें बदलता है सेक में, ठीक है। ये अनुपात बदलने का नियम, 180 और 360 में अनुपात नहीं बदलते हैं, 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में रेशियो मतलब तो अनुपात चेंज नहीं होते हैं, चेंज लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है, नहीं, ठीक है। 180 और 360 में रेशियो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, इसमें रेशियो चेंज नहीं होंगे बच्चों, ठीक। अब बस इतने अगर तुम चीजें ध्यान रखोगे तो कोई भी मान आ जाए निकालने को, कोई भी मान आ जाए तो वो तुम निकाल सकते हो। हाई स्कूल में तुमने पढ़ा होगा बच्चों, याद करो क्या, ये मैंने प्रूफ भी कराया था, साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखते थे इसको हम लोग, कैसे लिखते, सुनो, 90 का मतलब है कि यहां पर है हम लोग, 90 में क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो ध्यान से, माइनस
माइनस हो रहा है तो मतलब ये किस तरफ जाएगा, फर्स्ट की तरफ जाएगा, और फर्स्ट जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने लिखवाया था 90 यहाँ लिखा है, तो 90 तथा 270 में रेशियो जो होता है मतलब अनुपात जो होता है वो चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा बच्चों बोलो, कॉस, तो कॉस थीटा, और ये 90 हट जाएगा तो उसमें आ जाएगा थीटा में आ जाएगा, बोलो सुन में आएंगे। इसी प्रकार से याद किया होगा तुमने कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, याद होता याद है ना, और टेन 90 माइनस थीटा याद किया होगा बच्चों, इसी प्रकार से क्या होता था, इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा याद किया था, sec 90 माइनस थीटा याद किया होगा बच्चों, और cos एक भी याद किया होगा बच्चों, ये छह तो उन्होंने हाई स्कूल में याद किए थे और इसकी मैंने प्रूविंग कराई थी बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल बनवा के उसमें करवाई थी। लेकिन इसके आगे हमने कहा था आएगा कहाँ पर आएगा, इंटर में आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, तो अब इसके आगे हम लोग 90 प्लस जो पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, तो समझना बच्चों, अगर लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लिखा, 90 प्लस का मतलब है कि 90 में चीजें ऐड हो रही तो वो आगे जाएंगी बच्चों, जाएंगी मतलब ये किस में आएगा बच्चों, सेकेंड में आएगा, और सेकेंड जो होता है वो साइन और कॉसेक का होता है, और यहां पर देखो क्या लिखा है, साइन मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, पहले ये देखा करो कि किस में है और उसके बाद वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा ठीक है। और हमने लिखवाया कि 90 में जो अनुपात होता है वो बदल जाता है, तो साइन किसे बदलेगा बच्चों बोलो, कॉस में, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों बोलो, आप समझो बच्चों, कॉस 90 प्लस थीटा लिखा, ये भी उसी में है सेकंड में, लेकिन यहां ये कौन लिखा है कॉस, और ये है किसका बच्चों, साइन और कॉसिक का, ये जा कौन रहा है, कॉस जा रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा, और 90 जो कॉस है वो किसे बदलेगा बच्चों बोलो, साइन में, भले वो साइन में चेंज हो रहा उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर क्या लिखा है उससे मतलब होता है, मतलब है ये यहाँ पे क्या लिखा है वो तो बाद में आएगा बच्चों, यहाँ पे कॉस लिखा है तो मैं ऋणात्मक आएगा, साइन लिखा था तो वहां पे धनात्मक आएगा, है ना, 10 आगे आएगा बच्चों, धनात्मक धनात्मक प्लस हमेशा आगे लगेगा, 10 90 प्लस थीटा, समझो बच्चों, फिर से 90 प्लस का मेरा कहने का मतलब है कि फिर से सेकंड में जा रहा है बच्चों, और सेकंड में जो होता है वो क्या होता है कि 10 जो है वो चेंज होगा किसमें, कॉट में, और 90 प्लस में होता है साइन कॉसिक, तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट, बोलो समझ आया नहीं है, तो इसी प्रकार से बताओ कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस sec 90 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो भैया बोलो, माइनस कॉसिक, सही बताया बच्चों कृष्णा, और cosec 90 प्लस क्या होता है कृष्णा, माइनस से क्यों जाएगा बच्चों, प्लस से बोलो, क्योंकि बच्चों मैंने बताया ना साइन और cosec का, तो cosec लिखा ना तो साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, बोलो नहीं आया क्या, साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सभी क्या है, निगेटिव, तो हमें यहाँ पर दो चीजें गौर करनी है, एक तो किस क्वाड्रेंट में है मतलब कि किस चतुर्थांश में है, और उसके बाद 90 लिखा है कि 270 लिखा है, ये ध्यान देना है, 90 270 लिखा होगा तो अनुपात बदल जाएगा। अब बात करते हैं 180 की, चलो यहां लिखता हूं मैं, साइन 180 माइनस लिखा है, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, क्यों बताओ आएगा सेकंड में, 180 माइनस थीटा, 180 कहां, ये है और क्या हो रहा है, माइनस थीटा, तो माइनस मतलब ऊपर चला जाएगा बच्चों, प्लस होता तो आगे जाता बच्चों, थीटा और 150 डिग्री, हाँ हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, तो आप समझना बच्चों, तुमने कहा बच्चों कि यहाँ पे साइन 180 माइनस यहाँ क्या लिखा हो, 150 मतलब किस में आ गया बच्चों, यानी तो फर्स्ट में आ गया बच्चों, साइन 30 आ गया, तो फिर भैया अब ये चीज समझो, हम लोग 180 माइनस 150 मतलब तुम किसको ब्रेक कर रहे हो बच्चों, 30 को ब्रेक कर रहे हो बच्चों, पहले तो 30 की तो लिखा होगा, तो 30 को ब्रेक करने के लिए पहले जान लेंगे कि 30 यहां पर है, यहां मतलब
फर्स्ट में, तो या तो 90 से ब्रेक करो या जीरो से तो ब्रेक होता नहीं, तो फिर किससे ब्रेक होगा? सिर्फ 90 से ही। 180 से ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग उसको, नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमें ये लिख के आएगा, हमारे पास ये नहीं लिख के आएगा, हम लोग पर हम लोग के पास ये चीज लिख के आएगी तो हम लोग इसको ये नहीं लिखेंगे बच्चों, और ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा बच्चों। लेकिन एक है कि 30 जो है वो यहाँ पर है, तो 30 में मतलब 90 का यूज करें, 180 का यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 180 का यूज करें तो फर्स्ट में कैसे आ जाएगा? क्योंकि 30 मालूम है कि हमें लिखा हुआ किस में बच्चों, ये फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में ही करने के लिए 90 का यूज करेंगे। मान लो बाई चांस लिख के आ गया 150, कितना लिख के आ गया 150, तो हमें मालूम है ना 150 इसके बीच में है, 90 और 180 के बीच में, तो या तो इसको 90 से ब्रेक करो या तो फिर इसको 180 से। 90 से ब्रेक करोगे तो 90 प्लस कितना लिखोगे, 60 लिखोगे, 180 से करोगे तो 180 माइनस 30 है ना, समझ आया नहीं आया? तो ये तुमने पूछा तो 30 वाला समझ आ गया ना, नहीं आया बोलो ठीक। तो 180 माइनस 30 लिखा है तो मतलब समझ में आ रहा है किस में जाएगा बच्चों, सेकंड में जाएगा बच्चों, है ना। और सेकंड में जो होता है वो साइन और कॉसेक ही होता है बच्चों, होता है बच्चों, तो मतलब इसका मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और 180 में 360 में रेशियो चेंज, तो भैया रेशियो चेंज नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वही लिख देंगे हम लोग साइन थीटा। बोलो बच्चों क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अब बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये जा तो इसी में रहा, सेकेंड वाले में बच्चों, सेकेंड वाले में जा रहा, तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस बोलो बच्चों, नहीं होगा माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस होगा, समझ में आ रहा बच्चों? माइनस क्यों आया बच्चों कृष्णा? सेकेंड में है, और सेकेंड में है, और सेकेंड होता है साइन और कॉस का, और अनुपात नहीं बदलेगा बच्चों, 180 लिखा है बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो ऐसे सभी मान लिख लोगे सो समझ के बच्चों। अब मैं बीच बीच से पूछूंगा तुम लोगों से, ठीक है? बीच बीच से पूछो, जैसे मान लिखा है साइन 180 प्लस थीटा लिखा, बताओ बच्चों ये किस में है, पहले सोचो, थर्ड में, थर्ड वाला किसका होता है, तो ये माइनस में आएगा बच्चों बोलो, और 180 में अनुपात तो चेंज नहीं होता है, तो क्या लिखता है? यही लिखा होता है tan 180 प्लस थीटा, तो tan थीटा, तो क्या होता है बच्चों, tan पॉजिटिव आएगा बच्चों, प्लस में आएगा बच्चों, क्योंकि अपने ही हमें cot लिखा हो तब भी प्लस में आएगा। चलो अब तुम बताओ बच्चों, sin 270 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा इसका आंसर, किसमें क्या जाएगा बच्चों बोलो, कोई भी अनुपात चेंज कर लोगे, जैसे मैंने दिया तुमको लिख के कॉस 270 प्लस थीटा, बताओ सो समझ के जल्दी, फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ वाला किसका होता है बच्चों, तो जा कौन सा कॉस, मतलब कि पॉजिटिव है 270 में अनुपात तो बदल दो, तो किस कॉस में मतलब बोलो, अब कंफ्यूजन क्या होती वो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे कभी कभी कॉस को सेक में चेंज कर देते हैं, वो सोचते हैं कि कॉस और सेक में चेंज होता है बच्चों, जबकि कॉस सेक में नहीं चेंज होगा, कॉस चेंज होगा तो साइन में, कॉस सेक तो ये साथ में रहते हैं कि बताते हैं कि कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि बच्चे साइन 90, और कभी कभी बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि साइन और कॉस होता है, तो कैसा नहीं, साइन और कॉस नहीं होता, साइन और कॉस सेक होता है, यहाँ कॉस और सेक होता है बच्चों, तो ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो होती है वो अलग कर दो, हटा दो उसको, दूर कर दो, ठीक है, बस तुमको वो ध्यान देना कि चेंज इसमें होता है अपने पास वाले में, साइन अपने पास वाले में मतलब कॉस, कॉस अपने पास वाले में मतलब साइन, टेन अपने पास वाले में कॉट, कॉट अपने पास वाले में टेन, से कॉसेक, कॉसेक से, छह होते हैं एक दूसरे में चेंज होते हैं, और जो वो होते हैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश वो इस प्रकार से कुछ होते हैं, आया कि नहीं आया, तो जैसे साइन टू कॉस 270 प्लस थीटा लिखा है तो साइन,
अगर यहीं पर साइन 270 प्लस थीटा लिखा होता तो क्या आता बताओ बच्चों मुझको? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा। क्यों आता माइनस कॉस बता सकते हो? क्योंकि 270 प्लस किस में जा रहा है? फोर्थ में जा रहा है, और फोर्थ वाला होता है कॉस और सेक का। जा कौन रहा है यहाँ पे? हमें इससे मतलब नहीं, आंसर तो मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा? साइन, तो मतलब माइनस का आएगा और 270। में अनुपात चेंज होता है तो 270 में अनुपात चेंज होगा तो साइन समझ में जाएगा कॉस थीटा। समझ आया बच्चों? बोलो। तो ये चीजें ध्यान देनी। जैसे अब मैं लिख दूं साइन 360 प्लस थीटा, तो ये बताओ ये किस में है बच्चों? ये फर्स्ट वाले में राइट है बच्चों। कहां है बच्चों बताओ? 360 ये लिखा है, फर्स्ट का मतलब इसमें जाएगा आगे वाले में, और 360 में अनुपात चेंज होता ही नहीं है तो सेम टू सेम बच्चों साइन दे दो और प्लस में आएगा सब बच्चों। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, कभी भी 360 प्लस कुछ भी लिखा हो तो वो हमेशा वही रहता है और प्लस में रहता है बच्चों। cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि उसमें ऑल पॉजिटिव होंगे और अनुपात चेंज नहीं होंगे तो वही के वही रहेंगे। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो किस में चेंज होते हैं अनुपात बच्चों बोलो? जो y y लाइन होती है ये x y लाइन में नहीं चेंज होता है, जो y लाइन होती है उस पे चेंज होते हैं। y पे क्या होता है? 90 और 270, ठीक है। इसको तुम हैंड से भी याद कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 360 होता है। एक दो तीन और ये चार घर होते हैं सोचो, ठीक है। ए एस टी सी, ठीक है। सिंपल तरीके से याद रखो, तुम लोग को सभी चीजें ध्यान में रहे। तो इसमें कितने बनेंगे बच्चों? इसके 48 फॉर्मूले बनेंगे बच्चों, इसी में ऐसे ऐसे करेंगे बनेंगे 48। देखो 6 इसके बनेंगे, 6 12 बनेंगे। कैसे 12 बनेंगे? क्योंकि 360 प्लस भी तो हो क्या आएगा बच्चों, तो 12 इसके 12 इसके 12 इसके और 12 इसके, 12 चौको 48 बनेंगे, ठीक है। तो ये तुमको रटना नहीं है बच्चों, अगर रटोगे तो फिर तो हो गया काम 48 मामले, एक दो कंफ्यूजन होंगे तो फिर तो गए काम सोचिए। तो बहुत अच्छे से प्यार से समझना है बच्चों क्या किसमें आएगा। तो हम तुमसे बस क्या कहेंगे, ये छोटा सा फिगर माइंड के अंदर बना के सेटअप कर लो कि ए एस टी सी ध्यान रखो और 090 270 180 270 और 360 ध्यान रखो बस, और कुछ ध्यान ना रखो, आराम से सॉल्व कर दो कुछ, है ना। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ओके, ये बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। तो इसको जरा नोट करना पड़ेगा आगे समझ में। बोलो अब देखो जो ये तुमने डाल दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा फिगर माइंड में बना के रखो जो भी है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे कि जो जैसे साइन है कॉस है टेन है, इनके कुछ प्रांत और परिसर होते हैं और वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूज तो मतलब ऐसे सवालों में नहीं है लेकिन छोटे बीच में सवालों में यूज होती है, छोटे बीच में यूज होती है। तो सबके प्रांत और परिसर तुमको याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। साइन थीटा है, साइन थीटा का अगर मैं प्रांत की बात करूं और परिसर की बात करूं, प्रांत का मतलब होता है कि क्या क्या तुम वहां पे रख सकते हो, याद करो मैंने शुरुआत में बताया था, क्या क्या रख सकते हो, क्या नहीं आना चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर चाहिए माइनस। तो साइन थीटा के मान में कभी भी तुम्हें वो नहीं देने मिलेगा, क्या बच्चों? ना तो तुम्हें कभी माइनस अंडर रूट देने को मिलेगा, अंडर रूट के अंदर माइनस देने मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट तो होता है लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होता है, ना फिर कभी अपॉन में जीरो देने को मिलेगा। तो प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों? आर। प्रांत क्या हो जाएगा? आर। आर मतलब क्या होता है? माइनस इनफिनिट से लेके प्लस इनफिनिट। और जो परिसर होता है बच्चों उसका मान ध्यान रखो, जो उसका जो मान होता है माइनस एक से लेके प्लस, मतलब माइनस एक से लेके प्लस एक के बीच में, मतलब माइनस एक भी होगा क्योंकि कौन सा इंटरवल लगा बच्चों बताओ जल्दी से? बड़ा इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब है माइनस वन लिया जाएगा प्लस वन भी लिया जाएगा, ओपन बना देगा तो नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर जो है माइनस एक से लेके प्लस एक। तो कोई तुमसे पूछे साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, बता भी रखा मैंने एक बार, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? हाँ, चाहे वो साइन स्क्वायर लिखा हो, चाहे साइन 4 थीटा लिखा हो, चाहे साइन 6 थीटा लिखा हो, चाहे साइन क्यूब थीटा लिखा हो, वो कुछ भी लिख दे वहां पे, वो मान जो मैक्सिमम 1 और
मिनिमम जो है, हाँ ये बात है कि अगर स्क्वायर लगा देंगे तो फिर मिनिमम चेंज हो जाएगा, मिनिमम जो हो जाएगा वो माइनस एक ना होकर जीरो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं बच्चों, वो हमेशा क्या आएगा धनात्मक आएगा, इसीलिए बच्चों स्क्वायर वाले में ध्यान रहा स्क्वायर वाले, क्योंकि ये जितने भी माइनस एक है उसका स्क्वायर करो कितना जाएगा प्लस में होगा, जो छोटा नंबर कौन सा बनेगा स्क्वायर में जीरो बनेगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाता है ना, इसीलिए स्क्वायर वाले में। बाकी साइन थ्री साइन फोर साइन फाइव कुछ भी लिखा है मिनिमम माइनस वन होगी मैक्सिमम प्लस वन होगी, राइट है बच्चों? ओके, ये प्रांत मतलब समझ रहे हो, क्या रखते हो बच्चो सब रखते हो, कॉस थीटा बच्चो, कॉस वाले में भी क्या नहीं आता बच्चो बोलो, मतलब वो सब तो आता नहीं है रूट के अंदर वो सब बच्चों, है ना, ये भी माइनस वन से। और परिसर की बात करूं तो मैंने क्या होगा परिसर, परिसर भी यहाँ पे सेम होता है, तो साइन और कॉस दोनों के सेम प्रांत और सेम परिसर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेन थीटा का जो प्रांत होता है वो बहुत समझ, क्योंकि टेन एक टेन थीटा का मान एक जगह ऐसा आता है जो कि बोलते हैं इनफिनाइट बोलते हैं, टेन नब्बे का मान कितना होता है इनफिनाइट, नब्बे का मान ना इनफिनाइट मतलब होता है परिभाषित नहीं है, तो मतलब नब्बे तुम नहीं ले सकते हो, नब्बे का मतलब कितना आ रहा है जो इनफिनाइट, और इनफिनाइट वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका ध्यान देना क्या होगा आर में से माइनस करेंगे, किस माइनस करेंगे नब्बे को, अगर अच्छा बच्चों नब्बे पर आ रहा है तो दो सत्तर में भी वही आएगा बच्चों मान, अपरिभाषित तो नब्बे पे आ रहा है दो सत्तर पे आ रहा फिर आएगा कहीं ना कहीं जान के आगे बच्चों, क्योंकि मान तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना, तो तीन साढ़े क्या आएगा चार सौ पचास आएगा, तो चार सौ पचास भी होगा फिर घूम के आएगा कहीं ना कहीं फिर से होगा, तो इनको लिखने का तरीका रेडियन में सीखो बच्चों, जैसे ये कितना होता है ये कितना होता है तो ये कितना होगा मतलब 3 पाई बाय 2 फिर घूम के आएगा 5 पाई बाय 2 होगा 5 बाय 2 3 पाई बाय 2 फिर कितना आएगा 5 पाई बाय 2 फिर कितना आएगा यहां पे लो 7 पाई बाय 2 फिर कितना आएगा 9 पाई बाय 2 तो ये क्या चल रहा है मुझे क्या दिख रहा समझ आ रहा है बच्चों ये विषम संख्या चल रही है तो विषम संख्या का जो रूप होता है वो कैसा होता है 2n + 1 और इनटू में कितना लिखेंगे 5 बाय 2 ये n कहां गुणा कर रहा है जेड में गुणा कर रहा है जेड का मतलब होता है पूर्णांक, ये समझो बारीक से समझो क्योंकि ये चीज है वो मैंने पढ़ाई नहीं है अभी वो भी आगे पढ़ाएंगे भी समीकरण हल करना आएगा तो वहां पढ़ाएंगे बच्चों लेकिन ये चीज जानो बच्चों 2n + 1 क्यों लिखा गया क्योंकि विषम संख्या है अभी आ रही बच्चों तो विषम संख्या क्या होती 2n + 1 और π/2 क्यों लिखा गया क्योंकि देखो π/2 आ रहा अगर मैं π/2 हटा दूं क्या लिखा जाएगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे तो आएगा तो इसका रूप क्या होता है 2n + 1 होता है अच्छा ये माइनस में भी आ सकती है बच्चों तो इसलिए n कहां बिलोंग कर रहा है बच्चों जेड में पूर्णांक में ठीक है बच्चों तो ये क्या हो गया इसका बोलो ये डोमेन हो गया प्रांत हो गया और जो परिसर होता है प्रांत कहां लिख दिया हमने यहां सॉरी जो प्रांत दर जगह लिख दिया ठीक है समझ आओगे और परिसर जो होता है इसके जो मान आते हैं इसके मान माइनस प्लस एक होते हैं इसका मान कहता है सब कुछ है सब कुछ का मतलब सब कुछ ऑल टोटल मान यहाँ पर आएंगे सभी टोटल मान जो यहाँ पे बोलो जो सभी मान यहाँ पर आएंगे लेता है क्या माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट सब मान यहाँ पर आ सकते हैं सब मतलब एक आएगा दस आएगा पंद्रह आएगा पचास आएगा सौ आएगा लाख आएगा डेढ़ लाख सब कुछ आ सकते हैं ठीक है क्योंकि टेन साठ का मान होता है अंडर रूट तीन और फिर डायरेक्ट नब्बे का मान होता है अनंत मतलब साठ से नब्बे गया है तो सीधे सीधे बहुत वैल्यू बढ़ रही है इसकी रूट तीन से फिर जाके अनंत भी उठ रही होगा ठीक है आप ध्यान दो ना बच्चों कॉट थीटा का जो प्रांत होता है डोमेन होता है वो होता है कॉट जीरो पर डिफाइंड नहीं होता है तो जीरो पे नहीं होगा तो 180 पे नहीं होगा 180 पे नहीं होगा तो 360 पे नहीं होगा 360 पे नहीं होगा तो फिर इसी प्रकार से आगे नहीं होगा तो मतलब जीरो तो मतलब जीरो होता है फिर क्या होता है मतलब पाई यहाँ बोलो बच्चों क्या होता है टू पाई यहाँ पे थ्री पाई यहाँ पर फोर पाई यहाँ पे फाइव पाई सिक्स पाई तो ये क्या चल रहा है गिनती चल रही क्या गिनती चल रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे आर में क्या नहीं होता बच्चों एन
और एन क्या है बच्चों, ग्रुप का हाफ डाउन कर रहा है जेड, जेड का मतलब पूर्णांक, मतलब माइनस एक माइनस दो जीरो कुछ भी होता है। जैसे एन की जगह जीरो रखो तो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा, तो जीरो राइट सही है नहीं बच्चा। और इसका बच्चों जो परिसर होगा क्या होगा बच्चों, वही परिसर होगा जो जीरो नहीं सकते ना, जीरो रखने में कितना आएगा, जीरो आ जाएगा है ना, जीरो रखने में कितना आएगा अच्छे सोच समझ के। अब बच्चों बात करते हैं सेक, तो बताओ जरा कृष्णा ये बताओ सेक में किसका मान बच्चों अनंत होता है, 90 का 90 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
पब्लिशर ये बोलता है कि इसका मान जो होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो इसका मान सब कुछ आएगा लेकिन ये नहीं आएगा इसके बीच ला कर, तो मतलब क्या कहता है इसका मान आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस एक से प्लस है, क्योंकि माइनस एक आ सकता है प्लस एक आ सकता है लेकिन इसके जो बीच के मान है वो यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आर माइनस माइनस वन से देखे कहाँ तक प्लस वन, समझा नहीं है ठीक। लास्ट बच्चे बोला क्या कौन सा इसका प्रांत तो बच्चों को लो किसका मान इन्फिनिट होता बच्चों जीरो आर माइनस एन पाई और परिसर जो सेम आर माइनस कहाँ से माइनस वन से देखिए समझ आ रहा है मतलब इसका क्या है मतलब माइनस वन से देखिए बीच में जितने भी नंबर उनको हटा दो वो सब बच्चों आंसर ठीक है, मतलब माइनस एक से देखिए प्लस एक के बीच में आंसर नहीं आएंगे, या तो माइनस एक से छोटे आएंगे या तो प्लस एक से बड़े आएंगे, माइनस एक से क्या आएंगे छोटे आएंगे या प्लस एक से क्या आएंगे बच्चों आया कि नहीं आया नहीं आया ट्रांसफर आ गया चलो चलो ठीक है यहाँ तक कल कराएंगे ठीक है, लेकिन इतना पढ़ गया ना कल पूछेंगे भी जाते थे तुरंत ठीक है।